तो अगले 1 से 2 हफ्ता के बाद चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन न तो इंडिया गठबंधन ने कोई ऐलान किया है अपने सीट शेयरिंग का और न ही एनडीए गठबंधन ने इस तरह का कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि जो एनडीए इंडिया गठबंधन में टिकट के बंटवारे पर और एक साथ चुनाव लड़ने पर गंभीर सवाल उठाता रहा है, उसकी स्थिति क्या है, आज ये देखने की बात है। हक की बात इरशादुल हक के साथ में आज हम एनडीए गठबंधन के अंदर जो एक असंतोष का की जो ज्वाला धधक रही है, जो एक अविश्वास है अलग अलग पार्टियों में, खासतौर पे बिहार के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बुरी हालत में है कि वो समझ नहीं पा रही है कि बिहार में सीटों के बंटवारे की जो चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। एक तरफ चिराग पासवान ने भवे तरेर ली है, दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस ने जिस तरह से कह दिया है कि बस एक ही फार्मूला है कि सीटिंग और गेटिंग, यानी कि हमारे पास जितने एमपी हैं उतने टिकट हमको मिलने चाहिए। तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा खामोश बैठे हैं, वो नरेंद्र मोदी की सभाओं में दावत मिलने के बावजूद नहीं जाते हैं। ठीक यही स्थिति चिराग पासवान की है कि चिराग पासवान को ने पिछले 5 से 7 दिनों में नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं की बिहार के अंदर, और दोनों में से किसी सभा में चिराग पासवान शामिल नहीं हुए, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं, चिराग पासवान भी नहीं। लेकिन सबसे खास बात यह है जो कल बेतिया में नरेंद्र मोदी ने जो जनसभा की, उस जनसभा में नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। बहाना ऊपर से यह बनाया गया कि नीतीश कुमार को लंदन जाना है, लंदन वो आज जाने वाले हैं या चले गए होंगे, लेकिन कल से ही वो दिल्ली में डंडा लेकर के चले गए। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी उसके बाद ही यहां से नीतीश कुमार ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। अगर नीतीश कुमार चाहते तो कल की सभा में मौजूद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी विजय चौधरी को सभा में भेज दिया अपनी 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 नुमाइंदगी करने के लिए। और दिल्ली में भी वो एक दिन ठहरे, जहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात पे मंथन कर रहे थे कि बिहार में एनडीए की सीटों की बंटवारे का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में एक जो स्थिति बन गई है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संकट में है, जिस तरह से अपने सहयोगी दलों के दबाव में है, वो मीडिया आपको नहीं बता रहा है। जो गोदी मीडिया है वो बस इतना कह करके अपनी बात ख़त्म कर दे रहा है कि नरेंद्र मोदी तमाम समस्याओं को चुटकी बजा करके ही हल कर देंगे। और यही कारण है कि परसों जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपके गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, तो उन्होंने चैलेंज दे करते हुए कहा कि एनडीए से पहले हमारा बंटवारा हो जाएगा। तो एनडीए के अंदर जो स्थिति है, क्या चिराग पासवान के पास विकल्प है कि वह भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ चुनाव को लड़े, या फिर एनडीए से अपना रास्ता अलग कर लें और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की पूरी नज़र एनडीए के ऊपर है और उसकी कोशिश है कि अगर थोड़ा सा भी संकट गहरा होता है तो उसके पहले ही एक इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को एक ऑफर कर दिया है कि अगर आपको वहाँ पे सीटें नहीं मिलती हैं, आपके अनुरूप नहीं मिलती हैं, तो आपका हम खुली बाह से स्वागत करेंगे और हम आपको 8 सीटें देने के लिए तैयार हैं। मामले को आगे ले जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि दरअसल सीटें आसमान से नहीं टपकती। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए में 3 घटक दल थे, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है वो, और तीसरा एलजेपी। 17 सीटें गई थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 17 सीटें गई थी जनता दल यूनाइटेड के खाते में, और बाकी जो 6 सीटें थी वो एलजेपी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 की 17 सीटें जीत ली, एलजेपी ने 6 की 6 सीटें जीत ली, और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पीछे रह गया और उसे उसके 16 एमपी चुन करके चले गए। इस तरह से कुल 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। यही असल समस्या की जड़ है, और समस्या की जड़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अपने 17 की 17 सीटों पर लड़े। उसी तरह जनता दल यूनाइटेड जब फिर से वापस वहाँ पे आया है तो उसका कहना है कि हमें 17 मिला था, 16 सीट है तो कम से कम 16 सीटों पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं तो लगे हाथ जो है
पशुपति पारस जिनके साथ 6 MP हैं, उनका ये कहना है कि जो सिटिंग और गेटिंग यानी कि मेरे पास जितने हैं उतने हमको दे दो, तो उस हालत में चिराग पासवान का क्या होगा, उस हालत में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, उस हालत में जीतन राम मांझी का क्या होगा। और ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि यह विवाद सुलझ जाए, इसके लिए वो कई तरह के ऑफर दे रही है। कहा कि किसी को अगर हम एक लोकसभा की सीट देते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो हमसे विधान परिषद की सीट ले लीजिए, हमसे राज्यसभा की सीट ले लीजिए। तो इस तरह के कुछ ऑफर जीतन राम मांझी की तरफ आए हैं, और जिनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा करेंगे वैसा ही होगा। लेकिन कम से कम 3 नेता ऐसे हैं जो अपनी जिद पे अड़े हैं, और उनका कहना है कि अगर सीटों की संख्या कम की गई तो सबकी कम होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 17 से नीचे आना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड को 17 से नीचे आना पड़ेगा, तो उसी अनुपात में चिराग उसी अनुपात में पशुपति पारस को भी नीचे आना पड़ेगा। उस तब अगर मान लिया जाए कि सीटों की संख्या घटाई जाती है, तो घटाने की स्थिति में कितनी घटी जाएगी? क्या 10 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा? क्या 10 से 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी की जो 18-20 सीटें हैं वो इनमें बांट दी जाएंगी? तो इस तरह से जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो चुनौती है वो एक सीट पे मान नहीं रहे हैं। चिराग पासवान की दूसरी समस्या है। चिराग पासवान की पहली शर्त है कि उनके पिता जिस चुनाव क्षेत्र से लगातार लड़ते रहे हैं वो हमारी सीट है, और हम हाजीपुर को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस किसी भी कीमत पे हाजीपुर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह हाजीपुर के सिटिंग MP हैं, और उनका ये कहना है कि उनके भाई ने उन्हें वह सीट ऑफर की थी, वह सीट दी थी, और तब वो चुनाव लड़के वहां से जीते थे। तो ये जो पूरी समस्या है, इस पूरी समस्या से भारतीय जनता पार्टी के लिए वबाले जान बन चुकी है, और इसलिए ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अगर चिराग पासवान को एक सीट हाजीपुर दे भी दी जाती है तो फिर उनकी जो दावेदारी होगी 2 से 3 की दावेदारी होगी। इसी तरह से अगर आधी भी सीट कर दी जाए तो फिर चिराग पासवान के अलावा पशुपति पारस 3 पे अगर लड़ते हैं, और 2 सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को दी जाती है तो इस तरह से 8 सीटें होती हैं, और मांझी को 1 दे दी जाए तो फिर उस हालत में इनकी सीटों की संख्या 9 होती है। तो 40 में से कंप्लीट 10 सीटें मिनिमम अगर दी जाती हैं तब जाकर के 30 सीटें बचेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें या उससे भी कम पे आना पड़ेगा। उसी तरह जनता दल यूनाइटेड को भी 15 सीटों से कम पे आना पड़ेगा या उसी के आसपास रहना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से चिराग पासवान को ऑफर किया है कि हम 8 सीटें आपको दे सकते हैं, 6 सीटें बिहार से, आप चाहे तो हाजीपुर से आप अपने चचा के खिलाफ लड़ जाएं, वैसी स्थिति में हालांकि अभी तक चिराग पासवान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चिराग पासवान अगर कुछ साहस दिखाते हैं, कुछ हौसला दिखाते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि चिराग पासवान हिम्मत वाले नेता नहीं है, तो आज की तारीख में चिराग पासवान लोकसभा में अकेले हैं और बिहार विधानसभा में वो 0 हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा भी विधानसभा में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए उन्होंने पहले ही जीतन राम मांझी से भी पहले, नीतीश कुमार से भी पहले वो NDA का हिस्सा बन चुके हैं। तो उनका जो नैतिक बल है वो ऊपर है, और वो ये चाहते हैं कि हमसे जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने उसी के इर्द गिर्द अपने वादे को ही वो पूरा करें। तो ये जो पूरा मकड़ जाल है एक विवादों का, NDA के अंदर जो एक तूफान मचा है, जो एक तूफान के पहले की जो खामोशी है, ये खामोशी जब ख़त्म होगी तो बगावत हो सकती है, और वैसी सूरत में ताबड़तोड़ कम से कम 2 लोगों को NDA छोड़ना पड़ सकता है। उसमें से हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी हो और चिराग पासवान भी हो। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा में एक समानता ये है कि ये दोनों नीतीश कुमार से खार खाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान NDA को छोड़ेंगे या फिर किसी तरह नरेंद्र मोदी के आभा के सामने नतमस्तक होंगे और वो जो उन्हें देंगे उसी को ही वो स्वीकार करेंगे। 2-3 दिनों में ये बात क्लियर हो सकती है।